नमस्कार फ्रेंड्स, रश्मिता मल्टी कॉर्नर को आपण समस्त को पुणि थरे अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सह बिना बतुराई सहज सरल उपाय रे प्रायः मिक्स तड़का रेसिपी शेयर करी। एकदम पंजाबी स्टाइल पंजाबी तड़का बा ढाबा स्टाइल तड़का रेसीपीटी आपण मानक संगे शेयर करी। ना आपण को घंटे आगुरु बतुराइबा टेंशन थिबो ना आउ किछि, मात्र 15 मिनिट्रे आपण मानक सह बिना बतुरारे मिक्स डाल तड़का शेयर करी। आशा करूछि ए रेसीपीटी आपण मानको निश्चित भाबरे पसंद आसीबो। चलंते बे जिबा प्रस्तुत करबा सेई डाल मिक्स तड़का। तो सेथिपई आमको एटी सर्वप्रथमे मिक्स तड़का दरकारे। एटी मु गोटे कप मिक्स तड़का नेइछि। तो एबे एही तड़का को पानी देकि 2-3 थर भल भाबे धोई नबा, चकोडी कि भल भाबरे धोई नबा। ए तड़करे जो चोपा बाहरी थाए से चोपाटा को आपण माने फोपाड़ीबेनी, तार भल माने विटामिन थाए। देखंतु मु एटी भल भाबरे तड़का सब को धोई आनीछि। आउ एथिरे गोटे देखंतु गोटे प्रेशर को नेइछि, प्रेशर कुकर रे मु जाई सब तक देइ दउछि। तापर एटी देखंतु जेउ कप रे मु तड़का नेइथिली सेही कप रे मु मापिकी 4 कप पानी देउछि। आपण माने जे कोनोसी गिन्ना हेउ कि कप हेउ मेजरमेंट करिकी नेइ पारिबे। तापर देखंतु मु एटी नेला परे एटी मु गोटे पिंच पाखा पाखी एटी मु खाइबा सोडा नेइछि, आउ गोटे चमच पाखा पाखी मु एटी रिफाइन ऑयल नेइछि। एबे मु प्रेशर कुकर रो कभर बंद करी नेबी, आउ हाई फ्लेम रे आकु 5-7 मिनिट पर्यंत बसाई नेबी। एटी देखंतु प्रेशर कुकर रो गैस रे बसाई नेइछि, प्रथम सिटीटा आसीबा आसीबा होइ गेलानी। ए देखंतु मु टिके गैस रे 5-7 मिनिट हाई फ्लेम रे बसला परे तापर आपण माने ताकु लो टू मीडियम फ्लेम कर नेबे। लो टू मीडियम फ्लेम करला परे पूरा कंटिन्यू पूरा 5टा सिटी पूरा देबे। एटी देखंतु मु एटी 5टा सिटी मध्ये हमर हेइ गेलानी। एबे मु गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नेउछि। बस एबे एथिरे आउ हाथ मारिबा दरकार नै, आकु किछि समय पै रेस्ट से देइ देबा। ता भितरे चलंतु आमे अलगा मसला प्रिपेरेशन करि नेबा। मसला प्रिपेरेशन पै एटी देखंतु गोटे बड़ साइज रो प्याज को मु एटी काटिकि नेइछि, छोट छोट करि काटि नेइछि। आउ गोटे बड़ साइज रो टमाटर मध्ये मु एटी फाइनली चॉप करि नेइछि। किछि अदा आउ किछि रसुण को मध्ये मु एटी चॉप करि नेइछि। आउ किछि 4-5 लंका नेइछि। आपण माने चाहिले कंचा लंकार क्वांटिटी एटी कम करि पारिबे। एहिपरि भाबरे मु एटी मझिरु देखंतु मु एटी केमिति चिरि नेइछि। मसलार तो प्रिपेरेसन सरीगला, एबे आमे तड़कार कंडीशन कौन आपण मानक देखाइबी। गोटे खड़िका साहय बाकी गैस को मु काढ़ी नौची। आउ आपण मानक देखु देखो वाओ कते सुंदर एटी तड़का आमर सीझी देखि पारुथिबे। बिना भिजेबारे 5-7 मिनिट भितरे तड़का किपरि भाबरे मु सीझैछि आपण माने निश्चित देखि पारुथिबे। आ घरे निश्चित भाबरे ट्राई करंतु, देखिए पूरा कम समय भितरे सांगे सांगे करिके आपण माने पंजाबी तड़का बा साधा तड़का करिके खाई पारिबे। केते डाली और राजमा मध्ये केते सुंदर भाबरे सीझी जाइछि। एबे जिबा आमे अलगा प्रिपेरेशन करनबा माने मसाला प्रस्तुत करिबा। प्रथमे एटी आमे 2 चमच पाखापाखी कड़ाई रे तेल गरम करि नबा। मु एटी रिफाइन ऑयल यूज करछि, आपण माने चाहिले सोरिष तेल मध्य नेइ पारिबे। तेल गरम होइ गेला परे सेथिरे गोटे चमच पाखापाखी एटी जीरा पकाइ नबा। जीरा को भल से फुटि गले सेथिरे काटिकि रखिथिबा अदा रसुण को पकाइ नबा। अदा रसुण को भल भाबरे भाजि नबा। अदा रसुण भल भाबरे भाजि गेला परे सेथिरे काटिकि रखिथिबा कंचा लंका आउ त प्याज को देइ दबा। एटी प्याज को आमको भल भाबरे भाजिबा को अछि। प्याज तो आमर एबे भल भाबरे भाजि होइ गेलानी। एबे काटिके रखिथिबा टमाटर को पकाइ नबा। टमाटर को पकाइ कि किछि समय पै मिसाइ नबा। तापरे आमे एथर पकाइबा स्वाद अनुसारे लुण जाकि टमाटर को नरम करिबा पै। तापरे मु एथिरे गोटे चमच हळदी गुंड दैछि, आउ गोटे चमच छोटो चमच रे मु एठी लंका गुंड देइ दबा। लंका गुंड दे सारापर आपको भल भाव किसी समय पाई कि मिसाई नवा। टमाटर पिज तो आम सफ्ट हो गला, एवं मुझे किसी धनिया गुंड देती
ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ତଡ଼କାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତଡ଼କାକୁ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଡ଼କା ଟିକେ ମୋଟା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଏଇଟା ଫୁଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି, ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତରକାରୀରେ ପକାଇ ନେବି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ତ ଏଠି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଫ୍ କରିନେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ମିକ୍ସ ଡାଲ ତଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ଡାଲ ତଡ଼କା। ପୁରା 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଆମର ମିକ୍ସ ଡାଲ ତଡ଼କା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗରମାଗରମ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ହେଉ, ପରଟା ହେଉ, ପୁରୀ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ସେତେଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।